हेलो एंड वेलकम गाइज, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं लोफर है यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो फाइनली गाइज हमारे हाथ लग चुकी है बीजीएमआई अनबन से रिलेटेड एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी तीन न्यूज। तो भाई साहब वो तीनों लीक्स क्या है और क्या आने वाले अगले दिन यानी कि भाई साहब 8 जनवरी को बीजीएमआई अनबन हो जाएगा या फिर 2.4 का अपडेट आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले बीजीएमआई अनबन से रिलेटेड सारी जानकारी, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फाइनली गाइस आप सभी को पता होगा कि भाई साहब पबजी मोबाइल में, ग्लोबल में या फिर कोरियन वर्जन में सभी में 2.4 का अपडेट आ गया है, लेकिन भाई साहब बीजीएमआई में अभी तक अपडेट नहीं आया और भाई साहब ना ही अभी तक बीजीएमआई अनबन से रिलेटेड कोई भी खबर आई। लेकिन गाइस आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो दिखाने वाला हूँ भाई साहब, उसे देखने के बाद आप लोग पूरे शॉक हो जाओगे कि भाई साहब ये कौन सी न्यूज लाकर दे दिए, और आपको 99% विश्वास हो जाएगा कि भाई साहब बीजीएमआई जरूर अनबन हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगले दिन यानी कि भाई साहब 8 जनवरी को बीजीएमआई में न्यू ईयर का इवेंट समाप्त होने वाला है, और भाई साहब जैसे समाप्त होता है तो भाई साहब हम लोग को बीजीएमआई में जरूर इन द गेम या फिर गेम के बाहर गूगल प्ले स्टोर पर एक ना दो जरूर अपडेट देखने को मिल जाएगा। जैसा कि भाई साहब सभी यूट्यूबर्स या फिर सभी गेमर्स ने या फिर न्यूजर्स ने ये बात क्लियर किया है। और गाइस अगला अपडेट, अगला लीक्स ये है कि भाई साहब मैंने आप लोग को पिछले मतलब कई दिनों 10-15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को ऑग से रिलेटेड एक न्यूज दी थी, जिसमें भाई साहब मैंने आपको ऑग गन का एक स्किन दिखाया था जिसमें आप लोग को ऑग गन तिरंगे कलर की दिखाई दे रही थी, और साथ ही साथ मैंने आप सभी को बताया था कि भाई साहब इसका संबंध कहीं ना कहीं बीजीएमआई से है क्योंकि भाई साहब उसका कलर जो है वो भी इंडियन फ्लैग से है। तो गाइस फाइनली वो आग गन की स्किन पबजी मोबाइल में देखने को मिल रही है, तो भाई साहब कहीं ना कहीं पबजी मोबाइल का सारा डाटा ट्रांसफर होकर बीजीएमआई में चला जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब ये डाटा ट्रांसफर का मैटर क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि भाई साहब पबजी मोबाइल में जो भी स्किन आ रही है आपकी, और भाई साहब उसके साथ इंडियन कल्चर से रिलेटेड एक सूट आया है जिसे हम लोग इंडियन भाषा में शेरवानी भी कहते हैं, जिसे भाई साहब शादियों में हमारे दूल्हे लोग पहना करते हैं। तो भाई साहब आप लोग जैसा कि जानते हैं कि भाई साहब विदेशी लोग तो शेरवानी यूज करेंगे नहीं, ये तो इंडियन कल्चर के लिए ही है। चलिए मैं आप सभी को वो शेरवानी दिखाता हूँ, और उसके साथ साथ आपको और एक और सूट दिखाऊंगा जो बीजीएमआई से रिलेटेड है और उसका कलर भी तिरंगे कलर का ही है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भाई साहब जो आपका गन का कलर है वो भाई साहब तिरंगे कलर का है, और भाई साहब उसके साथ साथ जो सूट है वो भी तिरंगे कलर का है। अगर मतलब भाई साहब अगर इस सूट को और गन को एक साथ लिया जाए तो भाई साहब पूरा मैचिंग हो रहा है इंडियन कल्चर के साथ, और उसके साथ साथ भाई साहब आप लोग ये शेरवानी भी देख रहे होंगे भाई साहब जो दूल्हे लोग साथ में पहनते हैं इंडिया में, तो भाई साहब ये बिल्कुल मतलब इंडिया कल्चर से ही रिलेटेड है। और गाइस उसके साथ साथ भाई साहब लेडीज के पहनावे के लिए भाई साहब मतलब जैसे इंडिया में लेडी लोग पहनती है प्लाजा करके, वो सब भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये भी इंडियन कल्चर से ही रिलेटेड है। तो भाई साहब इस डाटा लीक्स का मतलब ये है कि भाई साहब पबजी वाले यानी कि भाई साहब क्रैप्टन वाले कहीं ना कहीं पबजी का डाटा ट्रांसफर करके बीजीएमआई में लाया गया, और भाई साहब ये कब देखने को मिलेगा ये हम लोग को 8 तारीख तक पता चल जाएगा, यानी कि भाई साहब अगले दिन यानी कि 8 जनवरी को। और भाई साहब बात रही बीजीएमआई अनबन की, तो भाई साहब सिर्फ एक ही दिन बचा है 8 जनवरी आने में, तो भाई साहब हम लोग 8 जनवरी तक वेट कर सकते हैं और देखते हैं कि 8 जनवरी को बीजीएमआई अनबन हो जाता है और 2.4 का अपडेट आ जाता है या फिर नहीं। तो आपको दोस्तों क्या लगता है कि न्यू ईयर इवेंट समाप्त होने के बाद बीजीएमआई अनबन हो जाएगा या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप भी बीजीएमआई से रिलेटेड सभी बड़ी खबरें चाहते हैं तो हमारे चैनल लोफर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।